दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाएं 26 लाख है और पुरुष केवल 24 लाख, 2 लाख महिलाएं अकेली रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर एक ऐसी घूमने की जगह है जहाँ पर महिलाएं जाकर अपने कपड़े उतारकर फोटो खिंचवाती हैं। एक ऐसा देश, माओरी जाति के लोग काफी अजीब और रहस्यमय हैं। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है न्यूजीलैंड। यह एक आइलैंड देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में आता है। यह देश कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप पर न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। दोस्तों, उम्र के लिहाज से न्यूजीलैंड काफी नया देश है जो सिर्फ 400 साल पहले ही बसाया गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस देश में आप कहीं भी चले जाइए लेकिन समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। दोस्तों, न्यूजीलैंड वो देश है जहां आदमी प्रति भेड़ों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। जितने यहां पर लोग रहते हैं उससे 10 गुना भेड़ रहते हैं। यह देश प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है कि हर साल न्यूजीलैंड की सरकार सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेती है। इस देश में वैश्यवृत्ति जैसे काम पर कोई रोक टोक नहीं लगी। कोई भी महिला पैसे के बदले इस काम को करती है, बस उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 268,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा न्यूजीलैंड फैला हुआ है। यहाँ की आबादी सिर्फ 51 लाख है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक इंग्लिश, दूसरी माओरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहते हैं, जो भारत के 51 रुपए 15 पैसे के बराबर आता है। दोस्तों, यूं तो इस देश में सुंदर शहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब बात राजधानी की हो तो नाम आता है वेलिंगटन सिटी का। यह शहर पिछले 150 सालों से न्यूजीलैंड की राजधानी है। दोस्तों, इस देश के ओटागो शहर के कार्डोना वैली में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पर लड़कियां और महिलाएं अपने कपड़े उतारकर तार पर टांग देती हैं और अलग अलग तरीके से फोटो खिंचवाती हैं। न्यूजीलैंड का बॉलविंग स्ट्रीट बहुत ही अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ 38 डिग्री ढाल से बना है। इस देश का ऑकलैंड शहर अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड में ज्यादातर यूरोप से आए हुए लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ 15 से 20% माओरी जाति के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग ही संस्कृति और पहनावा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड वो देश है जिसे डेनमार्क के बाद दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहते हैं और इस कंट्री में करप्शन जैसी कोई चीज नहीं है। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है। इसके अलावा यहाँ एंग्लियन और रोमन कैथोलिक को मानने वाले लोग भी रहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला देश है जिसने साल 1893 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। यहाँ के लोग काफी स्वस्थ माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ की महिलाओं की उम्र 82 साल तो पुरुषों की 78 साल औसतन आयु है। जहाँ पर ज्यादातर देशों में 18 साल के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वहीं न्यूजीलैंड में अगर आपको 15 साल की उम्र में ड्राइविंग करना आती है तो आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा। न्यूजीलैंड को प्राकृतिक सुंदरता और जंगलों के लिए भी जाना जाता है, जहां अनेकों प्रकार के सुंदर पक्षी और जानवर देखने को मिलते हैं। ऊन के उत्पाद में इस देश को दूसरा स्थान प्राप्त है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। समलैंगिक विवाह न्यूजीलैंड में कानूनी रूप से मान्य है, और तो और 15 वर्ष की उम्र में शारीरिक संबंध बनाना यहाँ बहुत ही नॉर्मल बात है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की महिलाएं बहुत ही लंबी और खूबसूरत होती हैं और अपने मुताबिक जीवन जीना पसंद करती हैं। इस देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही देखा जाता है, इसीलिए पुरुष और महिलाओं की सैलरी भी बराबर होती है। शहर ऑकलैंड के साथ राजधानी वेलिंगटन, क्रिस्टचर्च और क्वीन टाउन में अधिकांश लोग रहते हैं और इन शहरों की सुंदरता बहुत ही लाजवाब है। भारतीयों को न्यूजीलैंड जाने के लिए वीजा लेना अनिवार्य होता है।
दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों को काफी शांत स्वभाव का माना जाता है और यहाँ के अधिकांश लोग बहुत ही कम गुस्सा करते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं को पार्टीज करना काफी पसंद है। तो दोस्तों ये थी न्यूजीलैंड की अमेजिंग फैक्ट से भरपूर एक वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहे। मिलूंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।